तो वो जो एबसेंस ऑफ पेरेंट होती है घर के अंदर उसकी वजह से जो बच्चा है वो इफ़ेक्ट होता है और किसी किस्म की जो पेरेंट की जिस तरह आप कह सकते हो कि पेरेंट्स जो हैं वो उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते उनकी एक्टिविटीज़ को और इन एडिकुएट पेरेंटिंग की वजह से जो है वो बच्चा इस तरह के कंडक्ट डिसऑर्डर्स की तरफ जो है वो मूव कर जाता है उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न और ये भी हो सकती है कि बिकॉज uh, जो इनकम है वो लेस फ्लो है घर के अंदर और बहुत दफ़ा बच्चों को ये फील होता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें या ऐसी रिक्वायरमेंट जो हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे जो कि वो बच्चे चाहते हैं कि उनको मिले तो ये चीज़ जो है ये थॉट जो है वो सर्टन टाइम उनको लीड करती है टूवर्ड्स थफ एक्टिविटीज़ तो ये जो चीज़ें हैं पावर्टी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर किया जा आ, किया जाता है इसके साथ साथ चूँकि बिकॉज दे व बिलोंग फ्राम द लो सोशल इकनॉमिक स्टेटस तो सर्टन टाइम ये जिस किस्म के नेबरहुड में रह रहे होते हैं वो नेबरहुड ऐसा होता है जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो आम तौर पर आ, हो रही होती हैं या ये जो बच्चे हैं वो किसी गैंग की मेंबरशिप ले लेते हैं आ, जिसकी वजह से वो जब गैंग के अंदर जाते हैं उनके साथ मूव करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं तो वो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको अडाप्ट कर लेते हैं इसके साथ साथ अगर ये ऐसे एरिया में रह रही हैं जहाँ प्रोस्टिट्यूशन जो है वो कॉमन है तो दे लर्न दोज थिंग्स एंड दे विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स Uh, तो ये जो नेबरहुड है जहाँ पर ये लोग रह रहे होते हैं वो जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर uh, बनता है uh, कि वेदर दे आर एग्जिबिटिंग द कंडक्ट ईशोज और नॉट इसके साथ साथ एक और फैक्टर जो है वो रिजेक्शन फ्रॉम पीयर्स है ये कहा जाता है कि जब इन बच्चों को बुली uh, किया जाता है तो एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू डिफेंड दम सेल्फ बाई शोइंगटिंग द एग्रेसिव बिहेवियर तो चूंकि इनके पास आ, सोशल स्किल्स इनकी इतनी डेवलप नहीं हुई होती तो जो रिजेक्शन इनको पीयर से मिलती है ये उसको आ, जो है अनडू करने के लिए दे आ, टर्न डेम सेल्फ इन टू एन एग्रेसिव बिहेवियर इसके साथ साथ ये बहुत सी ऐसी कम्यूनिटीज़ होती हैं Uh, जहाँ पर ये जाते हैं और मूव करते हैं और वह उन कम्युनिटीज़ की जब ये मेंबरशिप ले लेते हैं तो उन कम्युनिटीज़ के अंदर ऐसी एग्रेसिव एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं कि ये उनका पार्ट बन जाते हैं तो इन अदर वर्ड्स के सोशली इन विच ग्रुप दे आर मूविंग दैट कैन प्ले अ मेजर रोल इन देयर कंडक्ट डिसऑर्डर तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस वक्त एक बच्चा जो है वो आपके पास आए यू नीड टू बी फाइंड आउट कि वो सोशल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो रह रहा है तो वो क्या है दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जिस फैमिली के साथ रह रहा है और जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर रहा है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उसकी फैमिली उसको कैसे इन्फ्लुन्स करी है बट इसके साथ साथ वो किस सोशल सेटअप में रह रहा है किस किस्म के लोगों से मिल रहा है किस किस्म के नेबरहुड में रह रहा है किस किस्म की कम्यूनिटी में उसकी मेम्बरशिप है इस किस्म के फ्रेंड्स हैं दे ऑल कंट्रीब्यूट टू वर्ड्स दैट थिंग तो इ, इन सब uh, चीज़ों को uh, जो है uh, वो ध्यान में रखना है जिस वक्त आप किसी भी बच्चे की जो है वो हिस्ट्री टेकिंग uh, कर रहे होंगे ताकि वो इस चीज़ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि वेदर यू विल ट्राई टू मैनेज दोज एरियाज़ और नाट थैंक यू